उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 7 दिन पूर्व विंसर अभयारण्य में लगी आग की चपेट में आने से झुलसे फायर वॉचर कृष्ण कुमार की उपचार के दौरान दिल्ली एम्स में मौत हो गई। दरअसल जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जो उसकी मौत का कारण बताया जा रहा है। वहीं इस घटना में मरने वालों की संख्या 5 और जंगल में आग से जलने से जिले में मौतों की संख्या 10 हो गई है। आपको बता दें, बृहस्पतिवार को पिंसर अभ्यारण्य में भीषण आग लग गई थी, जिसे बुझाने गए वन बीट अधिकारी त्रिलोक सिंह मेहता, वन श्रमिक दीवान राम, फायर वॉचर करण आर्य और PRD जवान पूरन सिंह की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फायर वॉचर कृष्ण कुमार, PRD जवान कुंदन सिंह, वाहन चालक भगत सिंह और वन श्रमिक कैलाश भट्ट बुरी तरह से झुलस गए थे, जिन्हें उपचार के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया था, लेकिन 7वें दिन फायर वॉचर कृष्ण कुमार जीवन की जंग हार गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल कृष्ण कुमार घर का इकलौता चिराग था। वही बेटे की मौत खबर सुनकर मां बेसुध है और पूरे परिवार का बुरा हाल है।